जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी तो हम इस वादे के साथ आए थे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। दिल्ली पुलिस हमारे पास नहीं है जो कि सीधे सीधे जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, लेकिन हमारे दायरे में जो कुछ आता था हमने वो सब किया। और उसी दिशा में हमने बसों के अंदर बस मार्शल्स की नियुक्ति की। एक तरफ बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए, पैनिक बटन भी लगाए गए, क्योंकि बसों के अंदर ना केवल महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, छोटे मोटे कई सारे अपराध होते हैं, जेब कतरे आते हैं, जेब काटते हैं, छेड़छाड़ करते हैं महिलाओं के साथ, किस्म किस्म के अपराध होते हैं। उन सब अपराधों को रोकने के लिए बस मार्शल्स की नियुक्ति का प्रपोजल बनाया गया और 2015 से बस मार्शल्स अच्छा काम कर रहे थे। एलजी साहब ने उनको, हमने पूछा अफसरों से क्या हो गया, एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। और इस तरह से ये स्कीम बंद करवाई गई।